दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि लगातार चाइना के द्वारा इंडियन ओशन के अंदर अपने हरकतों को बढ़ाया जा रहा है और चाइना इंडियन ओशन के अंदर से गुजरने वाले ट्रेड रूटों के ऊपर कब्जा चाहता है, जिन कारणों के वजह से एक तरफ जहां पे चाइना इंडियन ओशन रीजन में स्थित देशों को डेड ट्रैप में फांस के वहां पे अपने बेसिस बना रहा है, तो वहीं पे भारत को काउंटर करने के लिए लगातार इंडियन ओशन के अंदर चाइना की तरफ से अपने वॉरशिपों के प्रेजेंस को बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, चाइना के इन्हीं प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी अपना कमर कस लिया गया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन नेवी के लिए वीडियो को एक लाइक करके हे इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें ऐसी ही वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज जहाजों को काउंटर करने के लिए जहां पर लगातार भारत के द्वारा अपने एसेट, खास करके जहाज और सर्विस इक्विपमेंट का डिप्लॉयड किया जा रहा है, तो वहीं पे तीन दशक में, मतलब 30 साल में पहली बार भारत की तरफ से एक साथ 11 सबमरीनों का डिप्लॉयड कर दिया गया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पिछले हफ्ते ही भारत की तरफ से तीन दशक के बाद ये 11 सबमरीन को, मतलब 11 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को एक ही साथ ऑपरेशन के लिए समुन्द्र में उतार दिया गया। अब दोस्तों, ये घटना तीन दशक के बाद हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई खास वजह होगा। हालांकि दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से अब तक ऐसे कोई खास वजह के बारे में तो जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि यह असल में इंडियन नेवी की तरफ से अपने रेडीज और प्रिपेयरर्स को दर्शाने को लेके था। जबकि दूसरी तरफ यह इनडायरेक्टली चाइना को भी एक बड़ा संकेत दिया गया है। और दोस्तों, इसके बारे में जानकारी असल में एक इंडियन नेवी के ऑफिसर के द्वारा दिया गया है, जो कि करीबन 25 साल से इंडियन नेवी में सर्विस में है, और उनके द्वारा मीडिया को बताया गया है कि उनके टोटल सर्विस लाइफ में ऐसा डिप्लॉयड कभी नहीं देखा गया है। खास करके इंडियन नेवी के पास जो सबमरीनों की स्ट्रेंथ है वो कम होने के कारण इंडियन नेवी कभी भी इतने बड़े संख्या में सबमरीन को एक साथ डिप्लॉयड नहीं कर पाता है। ऊपर से ऐसे सबमरीन लगातार रिफिट और मेंटेनेंस के लिए रहता है, जिस कारणों के वजह से भी एक साथ इतने बड़े संख्या में सबमरीन को डिप्लॉय करना पॉसिबल नहीं हो पाता। पर नेवी के इस वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से बताया गया है कि उनके टोटल सर्विस लाइफ में कभी भी ऐसे बड़े डिप्लॉयड देखा नहीं गया है, और ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन भी है। दोस्तों, इंडियन नेवी के फिलहाल के सबमरीनों के स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये अब तक के नेवी के सबसे अधिक स्ट्रेंथ तो हो सकता है, लेकिन इससे पहले 90 के दशक में भी इंडियन नेवी के सबमरीनों का जो स्ट्रेंथ था वो काफी मजबूत था, और तब नेवी के पास करीबन 8 किलो क्लास के सबमरीन, 4 HWD क्लास के सबमरीन और 4 फॉक्सटॉक क्लास के सबमरीन था। और वरिष्ठ अधिकारियों का यह भी कहना है कि उस समय के बाद से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के सबमरीनों के स्ट्रेंथ में कमी ही आया है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण प्रोजेक्ट 75, मतलब कलवरी क्लास के सबमरीनों के डीले भी शामिल है। पर अब इंडियन नेवी के बेड़े में कलवरी क्लास के सबमरीन शामिल हो चुका है, जिससे कि इंडियन नेवी के पास अब करीब करीब 16 कन्वेंशनल और 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। और दोस्तों, इन 16 कन्वेंशनल सबमरीन को अगर देखा जाए तो इनमें 5 कलवरी क्लास के सबमरीन, 7 सिंधु घोष क्लास के सबमरीन, मतलब किलो क्लास के सबमरीन, और 4 शसुर क्लास, मतलब HWD क्लास के सबमरीन हैं। हालांकि दोस्तों, और एक कन्वेंशनल सबमरीन, मतलब 6ठा कलवरी क्लास के सबमरीन भी जल्द ही इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएगा, और इंडिया और फ्रांस के बीच में फिलहाल 3 एडिशनल कलवरी क्लास के सबमरीनों को लेकर भी चर्चा हो रहा है। जबकि इसके अलावा अगर भविष्य के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो 6 प्रोजेक्ट 75i के सबमरीनों को भी इंडियन नेवी के तरफ से खरीदने को लेकर जहां पे तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे इंडिया अपने बलबूते पे भी करीबन 12 डीजल इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स सबमरीनों को भी बनाने को लेकर अपना तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ अगर न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के बेड़े को देखा जाए तो फिलहाल करेंटली इंडियन नेवी के पास 2 अरिहंत क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जबकि 2 और अतिरिक्त अरिहंत क्लास के सबमरीन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि जल्द ही इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होगा। इसके अलावा फ्यूचर के प्लान के रूप में 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, मतलब प्रोजेक्ट 75,
अल्फा के ऊपर भी काम किया जा रहा है और AS-5 क्लास के अंतर्गत भी करीबन 3 से 6 सबमरीन को इंडियन नेवी के लिए बनाने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, जो कि 13,000 टन के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगा। जबकि इसके अलावा एक सबमरीन मतलब अकुला 3 को भी रशिया से खरीदा गया है, जो कि रशिया में फिलहाल अंडर रिफिट है और जल्द ही ये इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएगा। और दोस्तों, इंडियन ओशन के अंदर चाइना जिस तरीके से अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन हथियार है वो है सबमरीन। और शायद इन्हीं कारणों के वजह से इंडिया के तरफ से न्यूक्लियर पावर सबमरीन से शुरू करके डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बड़े मात्रा में अपने बेड़े में शामिल करने को लेके काम किया जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों, अगर पिछले 1 से 1.5 दशक के घटनाओं को देखा जाए तो साल 2008 में लगभग ना के बराबर चाइनीज जहाज जहां पे इंडियन ओशन में आता था, तो वहीं पे अब साल 2024 आते आते कंडीशन ऐसा हो गया है कि लगभग हर समय कोई ना कोई चाइनीज जहाज इंडियन ओशन में रहता है। ऊपर से चाइना के नेवी के बेड़े में सबमरीन की संख्या भी अधिक है और चाइना ऐसे सबमरीन पाकिस्तान को भी दे रहा है, जिससे कि भारत के लिए खतरा दोनों तरफ से है और इसे काउंटर करना केवल मात्र एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है, और वह है सबमरीन के द्वारा। और शायद इसी का ही एक इशारा देते हुए इंडियन नेवी की तरफ से एक साथ 11 सबमरीन को डिप्लॉयड किया गया, ताकि यह पता चले कि सबमरीनों की संख्या कम होने के बावजूद भी इंडियन नेवी के जो स्ट्रेंथ और इंडियन नेवी के जो कैपेबिलिटी है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे इंडियन नेवी के सबमरीनों का बात अगर हो रहा है तो मैं आप लोगों को हाल ही में घटे एक बहुत बड़े घटना के बारे में भी बता देता हूँ। और दोस्तों, ये भी इंडियन नेवी के सबमरीनों के तरफ से ही अंजाम दिया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी के कलवरी क्लास के सबमरीन के द्वारा एक ऐतिहासिक विजिट किया गया, और यह विजिट था कैंबल बे का। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कैंबल बे असल में ग्रेट निकोबार आइलैंड मतलब अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी आइलैंड में स्थित एक खाड़ी है, जहाँ पे कि इंडियन नेवी के जेटी भी है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये जो कैंबल बे का खाड़ी है, ये असल में इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक है और दूसरी तरफ ये मलाका स्टेट का भी काफ़ी नज़दीक है, जहाँ से कि पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी से जहाज इंडियन ओशन में एंटर होता है। बेसिकली दोस्तों, इंडिया के जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो लोकेशन है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और चाइना के लिए काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि चाइना अगर इंडियन ओशन में आने का प्रयास करता है तो चाइना को इसी जगह से आना पड़ता है।